गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th. वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास. दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स. तो जाकर बच्चों पहले आप लोग बुक स्टॉल से परचेज कर लीजिए अपने इकोनॉमिक्स की बुक जो कि HM पब्लिकेशन की चल रही है. आपको अगर पुरानी बुक भी मिल जाती है तो वो भी ठीक है, क्योंकि हमारी लास्ट ईयर की जो एडिशन थी वही हम चला रहे हैं. तो ये है आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो कि आपका दो पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और सेकेंड पार्ट है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दोनों पार्ट आपका 50-50 मार्क्स का है, यानी 50 मार्क्स आपको स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पर मिलेंगे और 50 मार्क्स आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मिलेंगे. तो ये है आपका कंटेंट. पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन जो कि यूनिट वन है. फिर यूनिट सेकेंड है आपका कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. सेकेंड इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा. थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फोर्थ इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट थ्री स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इट्स मीनिंग. तो यहाँ पे क्या है आपका पार्ट बी, इसमें आप लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट. इसमें क्या है आपका यूनिट फोर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. जो आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस था हमारे आज़ादी के बाद से, जो आपका ये बहुत ही सबको पता है कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले यानी कि जब हमारा देश आर्थिक मंदी में चला गया था उसके पहले तक यहाँ के डेवलपमेंट का क्या कंडीशन थी, और फिर उसके बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में उस टाइम क्या कंडीशन थी. तो इससे रिलेटेड चीज़ें को हम पढ़ेंगे. जैसे आपका चैप्टर 6 में है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सेकेंड इज़ गोल ऑफ इंडियन डेवलपमेंट प्लान्स. एट्थ इज़ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड. नाइन्थ इज़ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेशियल. यूनिट फाइव इज़ करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. तो आपको इंडियन इकोनॉमी को इस टाइम सबसे ज़्यादा क्या फेस करने को मिल रहा है, तो ये चीज़ें हैं आपकी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. इलेवेंथ इज़ रूरल डेवलपमेंट. 12th is human capital formation. 13th is employment. 14th is inflation, problem and policies. 15th is infrastructure. 16th is environmental and sustainable development. And आपका last unit है unit 6 जहाँ पे हम लोग Indian development experience of India a comparison with neighbor country. ठीक है, कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर. तो ये आपका कंटेंट है जिसमें से हम लोग कुछ चीज़ें हैं आपके हाफयरली में डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें आपका एनुअल के लिए छोड़ देंगे. तो टिक कर लीजिए हम लोग हाफयरली में क्या क्या चीज़ें लेंगे. फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन. सेकेंड है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा. थर्ड चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ठीक है, फोर्थ हटा दीजिए. फिर है आपका यूनिट थ्री का स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इट्स मीनिंग. ये आपका पार्ट वन हम लोग अपने हाफ ईयरली में कवर अप करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, अगर हमारे पास टाइम रहा एग्ज़ाम के पहले, अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम एनुअल को भी टच कर लेंगे थोड़ा. ठीक है, तो आइए हम आज से अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट. A farmer plot his field in the midst of rain and sun. A laborer work hard in a factory or in a coal mine. A shopkeeper sells his goods on his shop. A clerk works in an office. A teacher teaches in the classroom. A driver drives bus and a military man fights on the border and so on. After all, why do we need all work?
एक जो फार्मर होता है वो अपनी फील्ड को जब का खेत होता है उसको जोतता है, उसको सनरे जिससे कि उसको सनरे मिल सके, उसको पानी मिल सके, प्लॉटिंग करता है। जो एक लेबर होता है वो वर्क हार्ड करते हैं या फिर किसी भी फैक्ट्री में, चाहे वो कोल माइन की हो, चाहे वो शू की हो, चाहे वो आपकी क्लॉथ्स की हो, फैक्ट्री में काम करता है। एक जो शॉपकीपर होता है वो अपने गुड्स को सेल करता है। एक जो क्लर्क होता है वो एक ऑफिस में काम करता है, जो भी उसका डॉक्यूमेंट वाले काम होते हैं। एक जो टीचर होता है वो क्लासरूम में पढ़ाता है। एक जो बस ड्राइवर होता है वो ड्राइव करता है, बस ड्राइव करता है। एक जो मिलिट्री मैन होता है वो बॉर्डर पे जाकर लड़ता है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। तो इन सब चीज़ को देखने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है, ये लोग काम क्यों करते हैं? ठीक है, काम इन लोग क्यों करते हैं? हमारा इकोनॉमिक्स पूछता है इन लोग काम क्यों कर रहे हैं। इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू एनी वन ऑफ देम, यू विल गेट अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, दैट इज़ वी वर्क टू अर्न आवर लिवलीहुड। इट सजेस्ट्स दैट ऑल पीपल इन द वर्ल्ड वर्क टू सेटिस्फाई दियर वॉन्ट्स एंड डिज़ायर। अगर आप ये क्वेश्चन कि ये सब काम क्यों कर रहे हैं किसी से भी पूछते हो, इन सब में से किसी से भी पूछोगे, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सा आंसर रहेगा, हम लोग काम करते हैं कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, जिससे कि हमारा जो लिवलीहुड है, जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी है, वो बेटर हो सके। यहाँ से ये देखने को मिलता है कि हमारे जो वर्ल्ड में जितने भी पीपल हैं वो काम करते हैं अपने वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए। जानते हैं कि हम काम करेंगे तो इसके बदले हमें कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे कि हम लोग अपने वॉन्ट्स को, अपने डिज़ायर को फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि बिना मनी के आपकी कोई भी वॉन्ट पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, वी नो दैट द मैन इन द बंडल ऑफ इज़ अ बंडल ऑफ वॉन्ट्स, ही हैज़ अनलिमिटेड वॉन्ट्स, He requires food to eat, clothes to wear, and houses to live in. Beside this, for his daily needs, he requires a number of other goods also, such as oil, soap, wheat, vegetable, tea, sugar, milk, cigarettes, radio, television, etc. When we watch the activities of man, we find that most of the time he remains engaged in the work for satisfaction of his want, and in order to satisfy his numerous wants, he requires to various type of goods and services. आप लोग ये देखने को मिलता है, सबको ये देखने को मिलता है कि हम लोग जो हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग की बात कर लो आप लोग, उनके पास बंडल ऑफ वॉन्ट्स होते हैं, यानी कि उनके पास जो उनकी इच्छाएं होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। वो उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो चाहते हैं, जिसको वो लेना चाहते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं, वो अनलिमिटेड हैं। जैसे कि उनको एक फूड की ज़रूरत पड़ती है, क्लोथ्स की ज़रूरत पड़ती है, रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है, डेली नीड्स में कुछ चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे गुड्स हैं, जैसे आपका ऑयल है, सोप है, वेजिटेबल है, टी है, शुगर है, मिल्क है, टेलीविज़न है, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग किसी भी ह्यूमन बीइंग के बहुत एक्टिविटीज़ को ध्यान से देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि वो अपने मैक्सिमम टाइम वो अपने आप को एंगेज रखते हैं, जिससे कि अपने सेटिस्फैक्शन को वो पूरा कर सके। इंगेज रहने का मतलब सिर्फ काम करते ही जाना नहीं। अगर आप काम करोगे उसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आप काम नहीं करोगे, आप लोग उस काम को छोड़कर दूसरा काम करोगे। तो जो इंसान काम करता है, अपना आधा से ज़्यादा समय काम पर बिताता है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? ताकि उसको मैक्सिमम अर्निंग कर सके, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके, और उससे वो अपने सेटिस्फैक्शन को, उसके जो वॉन्ट्स हैं उसको पूरा कर सके, और वो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सके, ले सके। ठीक है, तो आज के टर्न पे हम इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यानी कि कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपका जो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर है, आगे के भी जितने भी चैप्टर्स हैं,
छोटे तो नहीं हैं, सब बहुत लेंथी चैप्टर्स हैं, तो बहुत ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आप लोग इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट आपको इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, रिलेट करोगे अपने डेली लाइफ से, तो आपके लिए बहुत ईजी है और इसका बहुत स्कोप भी है आगे। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पर। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि चैप्टर आपका बड़ा है, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, मैक्सिमम हमारे पास 10 मिनट्स होते हैं किसी एक क्लास को लेने में, तो 10 मिनट नहीं हो पूरा होता है कि हम अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। अगर हम 3-4 लेक्चर भी लेते हैं तब भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सब चीज़ों को कवर अप कर सके। तो कुछ चीज़ों मैं स्किप भी कर सकती हूँ जो मुझे लगेगा कि शायद आप लोग ये खुद से समझ लोगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सभी चीज़ों को मैं कवर करूँ, ठीक है। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर हमने दिया है आपके इंट्रोडक्शन पे, कल से आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।